तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे कमाल के स्टार्टअप के बारे में जिन्होंने तो वर्ल्ड के फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड ब्रिक मेकिंग मशीन ही बना दी है। और इस मशीन की खास बात यह है कि मात्र 60 सेकेंड्स में ये 300 ब्रिक्स को ले कर सकती है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्टार्टअप के बारे में, इस इनोवेशन के पीछे का क्या रीजन है ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसकी कॉस्ट क्या है, दैट मीन्स कंपेयर टू जो लेबर इंटेंसिव काम रहता था ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो दिस वर्सेस हमारा फुल्ली ऑटोमेटेड ब्रिक मेकिंग मशीन, इसका कॉस्ट डिफरेंस क्या पड़ता है, इसके प्रोज और कॉन्स क्या है, और फाइनली हम जानेंगे कि भारत के अलावा किन किन देशों में इस तरह की मशीन्स को एक्सपोर्ट किया गया है। सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाली है, इसके लिए जरूर एंड तक बने रहिए। भारतीय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑटोमेशन का लेवल काफी कम है, और वहीं पर अगर हम इस तरह के बेसिक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो पहले तो ये ना के बराबर ही था, और इसकी कॉस्ट भी जरा हाई पड़ जाती थी बिकॉज ये काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव वर्क है। लेकिन जब से सतीश कुमार ने इंडिया के ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक रिवोल्यूशन लाया है अपने वर्ल्ड के फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन को बनाकर, तब से हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ पर कुछ लेवल ऑफ ऑटोमेशन अब आ चुका है। वैसे इनकी कंपनी का नाम है SNPC मशीन ग्रुप, और ये स्क्रैच से फाउंड की गई है कंपनी। सन 2000 में इन्होंने इस बिजनेस में कदम रखा, लेकिन फिर उसके कुछ साल बाद लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, क्वालिटी इरेगुलरिटी, लीगल इश्यूज, ये सभी प्रॉब्लम्स के चलते ये बिजनेस ज्यादा कभी प्रॉफिटेबल बन ही नहीं पाया। फिर सन 2009-2010 में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी इंडस्ट्री है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सब जगह ऑटोमेशन का लेवल तेजी से बढ़ चुका है एक्सेप्ट वन इंडस्ट्री विच इज कंस्ट्रक्शन, और मोस्ट प्रिसाइसली ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पर तो दूर दूर तक ऑटोमेशन का कोई नामो निशान नहीं था, और देखा जाए तो ये काफी बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी, ये तो कंस्ट्रक्शन की एक बैकबोन है स्पेशली इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। हाँ, वो अलग बात है कि आज के समय में सिफोरस यूज का ब्लॉक किया जाता है, बट अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर ब्रिक को काफी लोग प्रिफर करते हैं। फिर 2010 से लेकर 2014 तक उन्होंने काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क किया इस पर, और फाइनली 2014 को उन्होंने 4 से 5 मशीन स्क्रैच से डेवलप की। बट सतीश का यहाँ पर कहना था कि अब ये जो इन्होंने ऑटोमेटेड मशीन बनाई है ये स्टैटिक थी, मतलब ये मूव नहीं कर सकती थी जिस तरह से ट्रक्स मूव करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच यहाँ पर तो लेबर लगना ही है ब्रिक को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए फॉर ड्राइंग। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक मूवेबल मशीन को बनाया जाए, लाइक ट्रक में इस तरह की मशीन को फिट कर दिया जाए और फिर ब्रिक्स ऑटोमेटिकली ले करती चली जाएंगी। इस आइडिया के ऊपर उन्होंने फिर से अपनी रिसर्च शुरू कर दी। वैसे आपको बता दें कि ये 10th ड्रॉप आउट है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके डिलीजेंस, डिटर्मिनेशन, इन सब के साथ उन्होंने अपने ब्रदर के साथ एक SNPC मशीन ग्रुप कंपनी भी फाउंड की। वेल, अब चैलेंजेस की बात करें तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा आर्डुअस टास्क था, और इसमें काफी सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो इन्हें जो अपना प्रोडक्ट है तो उसमें डिजाइनिंग, टेस्टिंग, मॉडिफिकेशन, रिफाइनमेंट लानी थी टिल देयर फाइनल प्रोडक्शन। वैसे स्टार्टिंग तो ये पूरा कंसेप्ट में ही था, और इन्हें ही नहीं पता था कि जो इनके माइंड में है या फिर जो पेपर में है तो रियलिटी में वो किस तरह से दिखेगा। इसलिए उन्होंने इंजीनियर्स और जो भी ब्रिक किल्न के ओनर थे, मेकर, तो उनसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो इस पर काम शुरू कर सके फ्रॉम कंसेप्ट टू रियलिटी। अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था इसके स्पेयर पार्ट्स का खोजना फ्रॉम वेरियस डिफरेंट मार्केट्स इस तरह के प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। देन तीसरा और आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर था फाइनेंशियल असिस्टेंस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर इन्हें कोई भी असिस्टेंट की हेल्प नहीं की गई, ना ही गवर्नमेंट की तरफ से और ना ही कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। सो ये भी अपने आप में काफी बड़ा चैलेंज था। और फाइनली इन सब के अलावा भी किल ओनर को मनाना कि वो इस तरह के टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, तो वो भी अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज था। बट फाइनली इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए उन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन को बना डाला, और 2020 में ही इन्हें अवार्ड भी मिला था। इन्हें अवार्ड मिला था ऑफ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2020। इसके अलावा इन्हें कैश प्राइज भी मिला अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट मॉनिटरिंग सर्विस। अब मशीन की खास बात यह है कि ये एक मशीन 120 लेबर्स का काम कर देती है, कंपेयर टू जो कन्वेंशनल टेक्निक से लेबर्स ले करते थे तो उसकी कॉस्ट से ये 45% चीपर पड़ता है। जिस कन्वेंशनल ब्रिक में 60 पैसा पर ब्लॉक का खर्चा आता था,
तो वही अब इस मशीन में मात्र 20 पैसा पर ब्लॉक का खर्चा आ रहा है। और फाइनली 2015 में इन्होंने जो मॉडल प्रोटोटाइप लॉन्च किया था एक स्मॉल मशीन, तो ये एक घंटे में 9000 ब्रिक्स को आराम से ले कर सकती थी। फिर उसके कई सारे वर्जन्स को भी इन्होंने लॉन्च किया विद बेटर अपग्रेडेशन, और अब तो एक घंटे में 12000 ब्रिक्स ले करने वाली मशीन की कैपेसिटी भी इनके पास मौजूद है। और वहीं इस मशीन के कॉस्ट की बात करें तो ये भी इसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 35 लाख टिल 65 लाख। और इसका ऑपरेशन भी काफी सिंपल है, मात्र 01 बटन दबाकर, बस एक बटन आपको दबाना है, इट इज लाइक प्लग एंड प्ले। और ड्राइवर को यहाँ पर कॉन्स्टेंट स्पीड से व्हीकल को ड्राइव करना पड़ता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कितने आसानी से यहाँ पर ब्रेक्स को ले किया जा रहा है, एक बार में दो दो ब्रेक्स यहाँ पर कास्ट होती जा रही है, पूरी लाइन की लाइन यहाँ पर ब्रेक्स के लगा दी गई है। और इस ट्रक में ही ऑलमोस्ट सब चीजें फिट कर दी गई है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटर, मिक्सर, ब्रिक मेकिंग, मोल्ड, ब्रिक प्रोड्यूसर, फिर लेइंग, एवरीथिंग। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हो साफ साफ कि कितने जेंटली तरीके से ब्रिक को ड्रॉप किया जा रहा है, और हर एक इंच के बाद यहाँ पर ब्रिक्स की लाइन लगती जा रही है। इसके बाद से इस स्टार्टअप को काफी सारे अवार्ड भी मिले, और न केवल इंडिया में बल्कि ये पूरे वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा फेमस हुआ। अब तक इन्हें मात्र एशिया से ही, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट से 250 से भी ज्यादा मशीन्स के ऑर्डर मिल चुके हैं, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए हैं। और वहीं इंडियन स्टेट्स की बात करी जाए तो यहाँ पर तो हरियाणा, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका और भी कई तरह के तमाम स्टेट्स में इस तरह की मशीन्स का यूज किया जा रहा है। वेल, ये सब तो बात हो गई इसके एडवांटेजेस की, लेकिन डिसएडवांटेज की बात करें तो वो भी काफी कम है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक मशीन 120 लेबर्स का काम कर देती है, सो यहाँ पर 120 लेबर्स की जॉब खतरे में आ गई। देन सेकेंडली अगर हम देखें तो जो भी कोई छोटे किल्न ब्रिक मेकर है तो उनके लिए ये काफी बड़ा समस्या बन सकता है, क्योंकि इस तरह के फुल्ली ऑटोमेटिक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स को वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके वजह से वो मार्केट में काफी ज्यादा इनकॉम्पिटिटिव बनकर रह जाएंगे और उन्हें कुछ अल्टरनेटिव सोर्स खोजना पड़ेगा। वैसे डेफिनेटली ये कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमें इस तरह के इन्वेंशंस की सख्त जरूरत है, स्पेशली ऐसे टाइम पे जहां पर इंडिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो हो रही है, लेवल ऑफ ऑटोमेशन काफी तेजी से बढ़ चुका है। अब चाइना को ही देख लीजिए, उन्होंने तो 10 माले की बिल्डिंग मात्र एक दिन के भीतर ही बनाकर तैयार कर दी। इसके अलावा ऑटोमेशन की वजह से ही यहाँ पर आज के समय में पूरे दुनिया में चाइना के पास सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क मौजूद है। यहाँ पर वो इतनी हैवी और सोफेस्टिकेटेड मशीनरी का यूज करते हैं जिसकी वजह से उनकी स्पीड 10 times इंक्रीज हो चुकी है कंपेयर टू नॉर्मल। और ऑटोमेशन की वजह से ही आपने देखा होगा कि आज के समय में भारत ने रिकॉर्ड बनाया है एक दिन में रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में। सो हरियाणा के ये स्टार्टअप ने न केवल ही भारत में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में एक रिवोल्यूशन ला दिया है। वैसे इसके रिलेटेड आपकी क्या राय है जरूर से कमेंट कीजिए, और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आई तो आगे भी पास कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी भारत के इस तरह के इनोवेशंस का पता चले।